आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। रीवा में आज ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है। ट्रैफिक सप्ताह की शुरुआत के पहले दिन पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में पुलिस अधिकारी सहित शहरी थानों के थाना प्रभारी व ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। रैली को पुलिस कंट्रोल रूम से रवाना हुई, जिसमें एसपी आबिद खान सहित एएसपी शिव कुमार वर्मा, सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल, ट्रैफिक डीएसपी मनोज वर्मा ने बाइक चलाते हुए शहर का भ्रमण कर आमजन को जागरूक किया है। एसपी आबिद खान ने बताया कि हर वर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आज रीवा में जागरूकता रैली के रूप में बाइक रैली निकाल कर की गई है। एसपी ने कहा कि सप्ताह में लोगों को ट्रैफिक के नियमों और उनका पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। देखिए 11 से 17 तारीख तक ट्रैफिक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोग्राम हर साल होता है और साल भर जो आप जानते हैं ट्रैफिक से रिलेटेड तीन चीज़ें होती हैं, कहते हैं तीन ई कहा जाता है, एजुकेशन, इंजीनियरिंग और एनफोर्समेंट। तो उसमें से एनफोर्समेंट का काम यानी कि जो चालान वगैरह कार्रवाई होती है साल भर होती है, लेकिन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं रहता, यानी कि लोगों को शिक्षित करना कि ट्रैफिक नियम क्या हैं, किस तरह से क्या फ़ायदा होता है क्या नुकसान होता है। इस सप्ताह में विशेष रूप से ये प्रयास किया जाता है कि ये एजुकेशन वाले एस्पेक्ट पे पुलिस काम करती है और पूरे सप्ताह में अलग अलग आयोजन हम लोग करेंगे, जिसमें कि लोगों को अवेयरनेस के लिए, स्टूडेंट्स की अवेयरनेस के लिए ट्रैफिक नियम्स को लेकर के अलग अलग माध्यमों से, वो हमारे रैली हो सकती है, हमारे स्कूल की विजिट्स हो सकती हैं, क्योंकि 11-12 दो दिन छुट्टी पड़ गई है, इसलिए औपचारिक इसका इनॉग्रेशन 13 तारीख को हम लोग एक बड़े वृहद स्तर पर करेंगे, लेकिन आज से भी ट्रैफिक वीक स्टार्ट है, तो ये कार्यक्रम आज बाइक रैली का कर रहे हैं, लोगों को ये अवेयरनेस के लिए कि लोग हेलमेट पहना करें। बहुत सारी डेथ्स होती हैं पूरे साल में जो बाइक एक्सीडेंट से या किसी अन्य एक्सीडेंट से होती हैं, हेलमेट पहनने से करीब 60-70% तक डेथ्स को बचाया जा सकता है, और मूल रूप से ही उद्देश्य आज की बाइक रैली का।